हेलो एवरीवन, आज मैं आपको अपने घर में की हुई कुछ कुछ डेकोरेशंस के बारे में, कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट के बारे में दिखाने जा रही हूँ। तो चलिए पहले हम शुरू करते हैं गणपति जी से। और ये हमने मार्केट से ख़रीदा, अपने सामने के दरवाजे के ऊपर हमने स्थापित किया हुआ है। माना जाता है कि घर से बाहर निकलते हुए गणपति जी को और तुलसी के पौधे को देख के जाने से शुभ होता है। और ये है मेरा फेवरेट, इसे हमने इस कुछ ही दिनों पहले ही बस बनाया हुआ था। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने कुछ वॉल स्टिकर्स भी लगा दिए थे। ये सब हमने मार्केट से ही ख़रीदा हुआ था। और ये पूरा डेकोरेशन करने में मुझे मेरे ननंद जी ने और मेरे हस्बैंड ने भी बहुत हेल्प की है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये जो हमने माय होम लिखा हुआ है, ये कार्डबोर्ड से बना हुआ है। और ये जो गुलाब का फूल है, इसे हमने क्राफ्ट पेपर से बनाया था। ये सारे कलर्स किए हुए हैं, सारे लीव्स फ्लावर, इसको आप यूट्यूब में भी देख सकते हैं, इसका वीडियो है। और ये जो स्टिकर में ये है, ये 3D इफेक्ट दे रहा है, इसलिए बहुत ही अच्छा लगता है। लाइट जब इस पर गिरता है तो बहुत ही सुंदर लगता है। आप भी ये सब लगा सकते हैं, स्टिकर्स आराम से आपको मार्केट में मिल जाएंगे, या फिर आप लोग ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। और ये लाइट, ये बहुत ही सुंदर लगता है, आप लोग देख सकते हैं। इसका जो शैडो गिरता है बहुत ही अच्छा लगता है। ये हमने पौंडीचेरी से लिया हुआ था। ये है, और ये बुद्धा जी की मूर्ति हमने अपने ड्राइंग रूम में रखा है, टीवी के ठीक नीचे ही, टीवी टेबल पे। और पिछले महीने में ही हम लोग इसे एक मॉल से खरीदे थे। और ये कुछ बॉटल्स थी, खाली बॉटल्स थी, उस पर मैंने कुछ लिख दिया है। आप लोग इसे पेंट से भी लिख सकते हैं, एक्रेलिक पेंट से, या फिर मार्कर पेन से भी लिख सकते हैं। इस तरह से आपको बॉटल को एक यूज़ भी हो जाएगा और अच्छा भी लगेगा, कहीं भी आप सजा के रख सकते हैं। और ये हमारा छोटा सा एक्वेरियम है, कुछ कुछ मछलियाँ रखी हुई है। ये जो बड़ी मछली है आप देख सकते हैं, ये मेलिना कार्प है, गोल्डफिश है, सार्क है, ये वाइट वाली मिल्की कार्प है, एक टाइगर फिश भी है। और ये वाला हमने कुछ ही दिनों पहले बनाया हुआ था, मेरे हस्बैंड ने स्पेशली बहुत ही मेहनत से बनाया है। ये वाटर फाउंटेन है, ये वाला एक प्लास्टिक कंटेनर के अंदर ही हमने रखा, मिट्टी में रखने से बहुत ही वो गीला हो रहा था पानी को सोख करने के कारण। और ये जो बनाया है, ये थर्मोकोल, उसके ऊपर सीमेंट देके हमने बनाया था। और ये सब स्टोन तो आपको आराम से मिल जाएंगे किसी भी दुकान में, आप इसको जैसे भी चाहें डेकोरेट कर सकते हैं। और ये पंप आपको ऑनलाइन में आराम से मिल जाएगा। आपको हमारा चैनल अगर अच्छा लगे, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा।
चेयर स्टूल भी रखा है, उसके ऊपर मैंने एलोवेरा रख दिया है। और ये जो है मैंने पेपर न्यूज़पेपर से ही किया हुआ है, और कुछ ये सब एक्स्ट्रा सब फ्लावर्स थे प्लास्टिक के, उसको मैंने रख दिया है। और ये जो आप देख रहे हैं ये रात के टाइम बहुत अच्छा लगता है जलाने से, बारिश के समय यहाँ पे बैठने से बहुत ही मज़ा आता है, खिड़की से बाहर देखो या फिर सामने दरवाज़ा खोल के। और ये मैंने बनाया, ये जो फ़ैन आप देख रहे हैं ये हमने सिलोंग से लिया हुआ था, और ऊपर का जो है मैंने कार्डबोर्ड वेस्ट पेपर था, और ये जो लव लिखा है उसको वेडिंग कार्ड जो आते हैं घर में, सभी के घर में आती होंगे या फिर आप लोग ऐसे फेंक देते हैं, लेकिन उसका ऐसे आप यूज़ कर सकते हैं। और ये भी हमने सिलोंग से लिया हुआ था। हैंडक्राफ्ट की चीज़ें मुझे बहुत ही पसंद है। और ये भी वैसी है, बेम्बू स्टिक्स के ऊपर कुछ क्लोथ्स के सहायता से पेपर से ये उन्होंने किया हुआ था। ये जो हैंगिंग फ्लावर्स मैंने रखे हैं इस कोन में, ये बेम्बू से बना हुआ है, ये आप लोग देख सकते हैं। और फ्लावर्स तो आराम से आप लोग मार्केट से ख़रीद ही लेंगे।